यहाँ पर है हमारे फ्रेंड, बहुत ही क्यूट फ्रेंड है, बहुत ही क्यूट है ना। तो सामने देखिए वहां पर है जंगल का राजा। ओ भाई क्या ये, क्या बोले अब तो, सॉरी। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइज यार, आज का जो मौसम है ना, बिल्कुल बेकार है। बहुत ज़्यादा हैवी रेन बताई आज, बट आज फिर भी मैं घूमने जा रहा हूँ, और उसकी वजह है कि यार गाड़ी बुक हो गई थी पहले ही, और फिर बाद में मना भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और यहाँ पे रास्ता काफ़ी ख़राब है, ये आप देख ही सकते हैं क्या हाल हो गया रास्ते का। तो अभी फटाफट से निकलते हैं और चलते हैं, दोस्तों से भी मिलवाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पालमपुर के लिए, और अभी हम खैरा में, और यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब, हेलो हेलो, और यहाँ पर हमारे सौरभ भाई, हेलो भाई, और यहाँ पर हमारे आशीष भाई, हेलो। तो अभी मिलते हैं हम आपको पालमपुर। और सामने देखिए क्या ओसम व्यू है, और कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है, बादलों के बीच बर्फीले पहाड़, यार ओसम। गाइज यार, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पालमपुर में, और अभी थोड़ी दूर है गोपालपुर चिड़ियाघर से। तो जू भी दिखाएंगे आपको, और भी बहुत कुछ, और जो स्पेशल पर्सन आने वाले थे ना, तो वो भी आ गए हैं, मतलब जू पहुंच गए हैं, तो अभी मिलते हैं जू में। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर में, और सामने देखिए क्या ही ऑसम व्यू है। और ये देखिए, ये है चिड़ियाघर, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगा है गोपालपुर का बोर्ड, और ये है यहाँ पे भालू होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है जू में, और अभी चलते हैं बाहर और टिकट्स ले लेते हैं। नहीं, फोन है। जा, फोन लेके। अंकल को मेरा फोन पसंद आ गया, ये देखिए। पीछे 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 पीछे। अच्छा फोन है। यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। पार्किंग कितनी है? 20 रुपये। टिकट भी 20 है? टिकट 50 है। अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे चिड़ियाघर में, और ये देखिए यहाँ पर हिमालयन गोरल, तो वो देखिए वो है, वो जानवर दो हैं, और ये देखिए एक ये है भूटान ग्रे पीकॉक, कितना प्यारा है ये देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। दोस्तों अभी ये देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा बगीचा है, और ये है एक स्टेडियम बैठने के लिए छोटा सा, और ये है सामने एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, बट अभी वाटर तो है नहीं इसमें। तो सामने देखिए वहाँ पर है जंगल का राजा, वो बैठा है वहाँ पे, अभी तो यहाँ से बैक साइड पे दिखेगा नहीं इतना अच्छा। तो गाइस यार सामने देखिए क्या ही प्यारा व्यू लग रहा है बर्फ के पहाड़ों का। गाइस यार अभी हम घूम रहे हैं जू में, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, एक शेड बना हुआ है यहाँ से शेर को देखने के लिए। तो सामने देखिए वो है नीचे शेर, वो दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे जू में, और शेर वगैरह भी आपको दिखा दिया है, और अभी मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से। तो यहाँ पर है, हेलो, तो यहाँ पर है हमारे फ्रेंड, बहुत ही क्यूट फ्रेंड है, बहुत ही क्यूट है ना, ऐसे बहुत बहुत क्यूट है, आपको देख के लग रहा होगा, आप नहीं मानते आप क्यूट हो, अरे बहुत क्यूट है मेरे को तो लगते हैं। और इनके साथ एक फ्रेंड भी आई है, वो कहाँ गए? अच्छा तो उनसे भी मिलवाते हैं थोड़ी देर में, और मेरे दोस्त तो भाई शेर को देखने में बिजी हैं अभी। ओह अच्छा अच्छा हाँ, तो ये देखिए ये आ गए बड़े दादा। तो दोस्तों अभी बाकी जगह जो शेर हैं वो तो बाहर ही हैं, बट एक जो बड़ा वाला शेर है ना, बूढ़ा हो गया, उसको अंदर रखा है अभी, तो अभी वो गुर्रा रहा है। तो दोस्तों अभी मैक्सिमम जू तो हमने घूम लिया, और ये है एक पार्क बच्चों को खेलने के लिए, बड़े भी खेल सकते हैं इनकी तरह। तो दोस्तों अभी जू तो हमने घूम लिया है, और यहाँ पर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।
और यहाँ पर दीदी है, क्या नाम है आपका? पायल। और आपका नाम? तो जाहिर ईशा। तो अभी हम जा रहे हैं सौरवन बिहार, और सौरवन बिहार भी दिखाते हैं आपको। तो जू ये है पीछे, गाइज़र फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सौरवन बिहार में, और दोस्त वगैरह तो आ रहे हैं पीछे, और मैं जा रहा हूँ ईसा और पायल दीदी। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे है सौरवन बिहार में ना ये पुल है, ये देखिए ये वाला पुल है जो कि बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे शूटिंग भी हुई है सिरसा की। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखना, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है सौरवन बिहार का पुल जो कि बहुत ही फेमस है, और ये देखिए वो बड़ा वाला पुल है, और ये है चलने के लिए आदमी के लिए, और ये देखिए सामने का व्यू बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों अभी टिकट वहाँ पे कट करवा लिया, और वहाँ पे अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप सौरवन बिहार में ना अभी एक्वेरियम भी आ गया है, तो अभी अंदर से व्यू दिखाते हैं आप। दोस्तों ये देखिए बहुत ही प्यारा एक्वेरियम ये है, और बहुत ज़्यादा मछलियाँ और बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारी हैं। ओ भाई क्या ये लग रही है। क्या ओसम, क्या यार बहुत ही मस्त हैं ये। कैसी हैं आपको, कैसी लगी? बहुत ही अच्छी हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी हैं बहुत ही अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ, और यहाँ पे ऊपर इनकी जो भी है स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। वाओ ये है पूरा एक्वेरियम। चलो पढ़ना, चलो। दोस्तों अभी हमने एक्वेरियम देखा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, बहुत ही प्यारी हैं। तो अभी जा रहे हैं हम सौरवन बिहार आगे की तरफ, और बोटिंग भी है आगे, तो बोटिंग करनी है? नहीं। क्यों? बड़ा मजा आता है यार, बोटिंग कर लेंगे। दीदी आपने करनी बोटिंग? नहीं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है कैप्टन सौरभ कालिया सर की यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, और आपको पता ही होगा सौरवन बिहार भी इन्हीं की याद में बनाया गया है, और वहाँ पर उनकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई गई हैं। यहाँ का ब्लॉग मैंने ना पहले बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, बहुत ही प्यारा ब्लॉग था वो भी। तो अभी हम घूम रहे हैं सौरवन बिहार में, और यहाँ पर है ईसु। हेलो। तो है मतलब चले जाना घर, कब जाना? तो अभी ये बोल रहे हैं कि घर चले जाना है, लेट हो रहे हो? चलो ठीक है, तो फिर अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, और हम भी चलते हैं फिर घर। तो ये देखिए ये है सामने एक तालाब है, यहाँ पे बोटिंग होती है, और बोटिंग तो अभी हम करने नहीं वाले क्योंकि लेट हो जाएंगे। और ये सामने टूर आया हुआ है स्कूल के बच्चों का, और हम भी फर्स्ट टाइम टूर पर आए थे यहाँ पर। आप आए हो कभी इससे पहले? आप भी नहीं आए? वो चिड़ियाघर भी नहीं? कभी नहीं, नहीं। चिड़ियाघर भी नहीं? फर्स्ट टाइम। अरे क्या बोल रहे हैं अब तो, सॉरी। तो दोस्तों अभी सौरवन बिहार भी घुमा दिया आपको, और जू भी घुमा दिया है, तो अभी चलते हैं। और अभी हम लेट हो रहे हैं क्योंकि अभी पता भी नहीं है, जो हमारे दोस्त है ना निखिल भाई, सौरभ भाई और आशीष भाई, वो पता नहीं कहाँ पे है। हाँ जी, नहीं हाँ बोले है लेट आप हो दे। चलो तो अभी चलते हैं, बाय। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पालमपुर से घर के लिए, और जो फ्रेंड्स आए थे ना वो भी चले गए हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शिवनगर में, और पालमपुर से आ गए हैं, तो अभी यहाँ पे ना कुछ खा लेते हैं। भूख लगी है? हाँ जी, तो सभी को लगी है भूख। भाई भूख लगी है? अरे हाँ भाई हाँ। तो अभी भूख लगी है सभी को, तो खा लेते हैं कुछ ना कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हमारे मोमोस, और अभी मोमोस फिनिश करते हैं और चलते हैं फिर फटाफट से घर, लेट हो गए हैं। भाई कैसे मोमो? आगे स्वाद। दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने रास्ते में, घर तो नहीं पहुंचा क्योंकि घर आगे ना गाड़ी नहीं जाएगी, आपको पता ही है रास्ता कैसा है। और यहाँ पर हमारे कुछ मित्रगण, ठीक है भाई
मिलते हैं फिर बाद में, बाय। ठीक है भाई, बाय बाय, ध्यान से जाना। ओके तो दोस्तों मैं भी यहीं पे करता हूँ ब्लॉग को एंड। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग ना पसंद तो जरूर ही आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।